क्या आपको पता है प्रैक्टिस से ही संभव सक्सेस? क्या आप प्रैक्टिस करने को तैयार हैं? एक कराटे मैन ने कहा कि मुझे उसके किसी मूव से कोई खतरा नहीं, पर हाँ मैं उस मूव से भयभीत हूँ जिस मूव की प्रैक्टिस उसने हजारों बार की है। वो देखो चौराहे पर बिना झिझक रस्सी पे चलती हुई लड़की, दोनों हाथ हवा में लहराए और सिर पे थाली को देखकर हम सब अवाक व दांतों तले अंगुलियां दबाने पे मजबूर हो जाते। ओ नो, कितना मुश्किल है, मैं तो कभी कर ही नहीं पाऊंगा। इस कमाल भरे कर्तव्य के पीछे है उसकी भूख, इन नन्हे कंधों पर परिवार को पालने की जिम्मेदारी। कर्तव्य कमाल का नहीं होगा तो न तो मिलेंगी तालियां और न ही मिलेंगे पैसे। सर्कस में किया गया हर एक स्टंट इसके पीछे की गई लाखों बार की प्रैक्टिस का ही नतीजा है। बेखौफ खड़ी लड़की पर चाकू से निशाना साधता चाकूबाज, उसके हर चाकू हमारे आपके मुंह से बस एक आह निकलती है, पर वो लड़की जरा सी भी जुम्बिश नहीं करती क्योंकि उसे भरोसा है चाकूबाज की चाकूबाजी पर। पर हुआ कैसे माय डियर फ्रेंड्स, ओनली प्रैक्टिस। हजारों बार डमी पर निशाना साधने के बाद उसे दी गई एक जिंदा लड़की। स्टूडेंट से डॉक्टर तक का सफर कितनी आसानी से डॉक्टर साहब ने यह ऑपरेशन महज 30 मिनट में कर दिया। पता है उसी 30 मिनट के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी के 30 साल दे दिए। पहले मिला मरा हुआ मेढक, फिर जिंदा मेढक, फिर ढेर सारी सैकड़ों डेड बॉडी को फाड़ने के बाद एट लास्ट मिला जीता जागता इंसान। यह क्या था? ओनली प्रैक्टिस। दुनिया का मशहूर पेंटर पाब्लो पिकासो से एक लड़की बाजार में टकरा जाती है। आई थिंक यू आर पाब्लो पिकासो द ग्रेट पेंटर। ओ यस, आई एम पिकासो। उसने झट से कागज पकड़ाते हुए कुछ बनाने की जिद करने लगी। महज 30 सेकेंड में उन्होंने कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं खींच दी। यू नो द प्राइस ऑफ दिस? सॉरी आई डोंट नो। 50 लाख। उसे विश्वास नहीं हुआ, वो भागी भागी दुकान पर गई। उसकी प्राइस जानने के लिए दुकानदार ने देखते ही कहा, वाओ इट्स पाब्लो पिकासो पेंटिंग, आई कैन गिव यू 50 लाख्स। इतना सुनते ही वह लड़की शॉक्ड हो गई। कुछ दिन बाद दोबारा पिकासो एग्जीबिशन में उसकी मुलाकात पिकासो से हुई। उसने याद दिलाते हुए कहा कि मैं वही लड़की हूँ कुछ दिन पहले आपसे बाजार में मिली थी, जिसके लिए आपने 30 सेकंड में पेंटिंग बनाई थी। मुझे 30 सेकंड वाली पेंटिंग सीखना है, पर मुझे तो इस 30 सेकंड के पेंटिंग तक पहुँचने के 30 साल लगे। पता था कि क्या ओनली प्रैक्टिस। अब तुम्हें भी पढ़ाई करनी होगी उस रस्सी पे चलती हुई लड़की की तरह, चाकूबाज की चाकूबाजी की तरह, और डॉक्टर के 30 मिनट के ऑपरेशन की तरह, और उस पिकासो के पेंटिंग की तरह जो उन्होंने 30 सेकंड में बनाई थी। और इस तरह पढ़ने के बाद आप भी परफेक्ट हो जाओगे। तुम भागो जैसे कोई भाग ना सके, जब तुम खेलो तो तुम्हारे जैसा कोई खेल ना सके, और मेरे दोस्त जब तुम पढ़ो तो तुम्हारे जितना कोई पढ़ ना सके। विश यू ऑल द बेस्ट। इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और दोस्तों को शेयर भी कर दें। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।